सुबह से छींके जा रही है मुझे, लगता है तुम्हारे घर कोई आने वाला है। हाँ हो सकता है कि आ रहा होगा, इसका तीसरा दिन है। क्या पता तुम्हारा रिश्ता देखने आ रहे हो। देखो ऐसी बात मत करो, वैसे हो भी सकता है कोई आ रहा हो। हेलो ओ भाई, ख्यालों से बाहर। और वैसे भी जिस तरह का तुम शर्मा रहे हो ना इस शक्ल पर, रिश्ता तो दूर की बात, तो किराए पर रिक्शा भी ना दे तुम्हें। मेरी ना एक बात सुनो, मैं ना तुम्हें सिर्फ इस वजह से बर्दाश्त करता हूँ क्योंकि तुम ना मेरी जमीर की आवाज हो। मेरे ख्याल से किसी पागलों के डॉक्टर को दिखा के ना तुम्हारा इलाज भी करवाना ही पड़ेगा। पहले अपना तो करा लो पागल। और तुमने कभी शक्ल देखी शीशे में अपनी? हाँ खूबसूरत है बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। और जा जा काम कर अपना। तुम ना बच्चों मेरे हाथों से आज ही ना किसी पागलों के डॉक्टर दिखा के तुम्हारा इलाज भी करवाना ही पड़ना है। ओए तुम मन ले तुम पागल है, अपनी आवाज ना बंद ही रखो अब तुम। नहीं रखूंगी। देखो दुनिया में ना तुम्हें चप्पा चप्पा दो दिन भी नहीं है, तुम्हारी जुबान जो है ना वो किसी ट्रेन की पटरी से भी ज्यादा लंबी होती जा रही। मैं तुम्हें बता रहा हूँ केसेट तो नहीं उड़ गई तेरी? नहीं अभी तक तो नहीं उड़ी कम से कम। चल हूं तू आ ही गए आके ना मैंने गंडली चुकवा दे कसम नाल। मैं तेरा बस मंजी का सीटी से मंजी पै ही गई है मैंने। वैसे किन्दे नाल गड्डा करदा पिया सी तू? कोई तेरी खलाई माँ शूक तो नहीं हैगी? अम्मा की है Which phone is coming? हैं? ओहो किंदा फोन है? पता नहीं किसी एजेंट डालने का आ रहा है। हेलो कसम नाली इस आदमी जी पूरा महीना हो गया जब भी मैंने फोन करा ना कोई कि मनोज खबर ही सुनाना है। अल्लाह खैर करे हो। ओ प्यो है तेरा। अच्छा एजे ए चुप के दे मैं। अस्सलाम वालेकुम। ए की कह रहे हो? वहाँ क्या हुआ है? इंजन नहीं हो सकता। तुझे मैंने पहले क्यों नहीं दसिया? की मतलब? तुझे कार की सेटिंग कर देते तो इंद्र से मेरा की कसूर सी? पहले दसना चाहिए था सी ना। हाय अल्लाह मैं की करांगी, मैंने तो कोई तैयारी भी नहीं की। मैंने पहले दस दिन दी तो उस तो अज ही हिसाब ना दी होना। तुसी ना किसी काम दे रही है गे। अजमल जी दिमाग तुहाडा काम नहीं करता, पता नहीं कितने नाल दिमाग अड़ा के बैठे होंगे हो तुसी। क्या हो गया? क्या कह रहे थे आपके एजेंट डार्लिंग? क्यामत आ रही है। है क्यामत आ रही है? लेकिन अभी तक जाल भी नहीं आया। और कहीं पापा आपकी सौतन तो नहीं लेके आ रहे घर में? नहीं पुप्पी आ रही है तेरी। कौन आ रहा है? लो जी दूजी खलाई मखलूक भी आ गई, पता नहीं की खा के जमिया सी मैं तुसी भेनुआ नूं। आहो पुप्पी आ रही है तेरी कनेडा तो। तेरे प्यो ने जायदाद च हिस्सा मंगया सी ना, कहंदी ऐ सुनन तो पहले मर के नहीं गई। बंदा पूछ सुनन तो बाद भी नहीं मरी, चमूनी नहीं ना होए तो चमड़ी गई है सामने। उनकी बेटी भी आ रही? आहो आन लगी है मेरे सर ते। हुन टब्बर लै के अपना तेरी पुप्पी जी ना होए ते ना रुकी इसके लब की क्या कही। अच्छा ठीक है, मैं ना कुमार शेट्टी से मिलने मैं मतलब कुमार शेट्टी से करने जा रहा हूँ। ओके अल्लाह। ओहो तो आज भी कुमार स्टडी करने का इरादा है तुम्हारा? हाँ जी जा रहा हूँ मैं कुमार शेट्टी करने। केडी कुमार स्टडी? वो जो कंबाइंड स्टडी के छितर लेके आए थे ना तुम, वो याद से ले जाना। और वैसे भी पार्क के टिकट के पैसे तुमने पकड़े लिए होंगे है ना? हाँ मगर ये पकड़ लिया। मतलब क्या क्यों पार्क क्यों जाना है भाई? मैं घर में जाता हूँ कंबाइंड स्टडी करने। चल उन्हें गंडली फाड़ के मेरे सिर पे खलोते रहना सारी जिंदगी मौत दे फरिश्ते की तरह। उन लिया इनू एक तो तेरे प्यो ने मनोज खबर सुनाती तो तू अपनी मनोज हरकत में बाहर नहीं आ रहा। चल दफा हो इतो। अम्मा मैं नहीं जा रहा, प्यार से ही तो मैं जाऊंगा। जानना है कि जूती लावा? ये जूती के ड्रामे ना मुझे दिया करे, मैं डर जाता हूँ। मैं जा रहा हूँ ठीक है। हेलो। हाँ भाई जिंदा है? हाँ है। ओ मैं तो भूल ही गया था, तू तो वैसे दुनिया का वेला तरीन इंसान है, चला घूमने चलते हैं। यार दिमाग खराब है तेरा? अभी पिछले एपिसोड में तो इतना ड्रामा किया हमने घर से बाहर निकलने के लिए। याद नहीं मेरे प्रैक्टिकल है, मेरे घर में मुझे नहीं निकलने देंगे। और ऊपर से पुप्पा भी आ रही है घर पे, इतने काम है, मम्मा निकलने ही ना दे मुझे कहीं घर से। ओहो पुप्पा की बेटी भी आ रही है? ओए होए 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 टीचर सोच के आदमी यार, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं इस टाइप का आदमी नहीं, तुझे पता है। अब वो बकर नहीं हूँ मैं जो डेट करता हूँ हर वक्त। और वो मेरी फूफो की बेटी है, क्या पता मेरी फूफो पे गई है। यार अगर फूफो पे गई ना तो मेरे मामा ने ना कभी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करते, और हमारे रिश्ते को भी वो लेके ना आगे नहीं बढ़ पाएंगे इस तरह।
भाई मैंने कुछ नहीं कहा, तुम खुद ही रिश्ते तक पहुंचे हो। नहीं रिश्ते की बात नहीं, मैं ठीक है मेरे ख्याल से वो आ गए। अल्लाह हाफिज। मैं जा रहा ना खोलन, ऊपर बैठो। इसको कौन सा कीड़ा काट गया? अम्मा ये क्या कर रही है? तेरे प्यो कंजूस है ना, मैंने एक ही अंगूठी ला कर दी थी सोने दी, उनकी भी शौकी है ना मारा, उन हाथ धोती है किसी बात के भी वैसे। अच्छा उन कितने रह गई है चुड़ैल? आ रहे होंगे, सामान वगैरह उतार रहे होंगे। हाय आंटी। माशाल्लाह। अरे बेटा आप खड़े क्यों, आओ ना। हाय अल्लाह, ये लड़की है या परी? नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं सोच सकते, यार इसे देखो तो पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि पीनू भी मिल रहा है। हाय अल्लाह बिल्लो केड़ी चक्की दाटा खांदी, मेरा मुंडा पुआ के सुट गया थले। मैं तो हल्की जी थपकी दी थी ओदे कंध विच जा के मरया। हाय अल्लाह बेटा कितना यंग हो गए हो आप। वो आप भी बहुत यंग हो गई है। और ये क्या, और ये क्या कटिंग करवा के आए हो? बचपन से जब भी तुम कटिंग करवा के आते थे पता माउस टाइप का मुंह निकलता था तुम्हारा, चल दिखाओ। हाय अल्लाह शारिये तेरे मुंह ते चुड़िया नाल पिटकार भी पई है। हाँ इस लुक लाइक ना जैसे किसी ने तुम्हारे ऊपर नहुसत के स्प्रे किया हो। आहो बिल्लो मेरी ते नहुसत दा स्प्रे तेरी आन दी नहुसत तो ही होया होना है। पप्पो आप अंदर चले ना, अब तक खड़ी क्यों हैं, आ जाए थक गए होंगे। हाँ बेटा जरूर। की है उन ऐ वेख कितना बड़ा रच के इसलिए गया, लगता छेती वापिस जान दा इरादा नहीं है गांदा। किधर रखूं इसको? इन्नू पुत्र तू बाहर जाके ना गली च सुटिया जा। ओ मम्मा जी क्या हो गया आपको? सिर तो रख दे मेरे, और कितने रखना, जा अंदर जाके रख दे। अम्मी जी तेरा पता चाची के सह हो सकता है इसके अंदर कोई गिफ्ट शिफ्ट हो। ओ फूफी है ये तेरी, गिफ्ट लाया ही ना है, चोरी का सामान लाई होनी स्मगलिंग करके। अस्तगफिर। चल रख दे इन्नू हुन, आइया ही रख के ठीक है, मैं इतनी निपटा जाके उन दे नाल। ऐसे एसी नाल है? हाँ जी एसी हुणे लवाया है, बस गर्मी बड़ी सी ना, ते जदों अल्लाह ने दिता ही है ते फिर असी क्यों करिए ना शुक्री, ते इस्तेमाल ते करना चाहिए ना फिर। हाय अल्लाह इज इट कोल्ड? ओ ऐ अच्छा ऐ ते मेरे और अजमल दे लब दी निशानी है, तानू ते पता ही है ना फिर। हाँ भैन को तो एक चटाके भी नहीं लाके दी अजमल। इस शक्ल देख के प्लास्टिक दा छापर ना मारे ते मंग देख सोना रहिए बिजी जी ना होए ते। कुछ नहीं कुछ नहीं। और नया बेटा आप क्या कर रही हो आजकल? जी आंटी आई एम स्टडिंग। स्लडिंग? स्लडिंग नहीं स्टडिंग। अच्छा अच्छा पता है मैं नो स्लडिंग नहीं स्टडिंग, मैं तो बच्चे के साथ मजाक कर रही थी, देखो जरा माशाल्लाह कितनी प्यारी हो गई है यंग होके। मम्मा पे तो नहीं गई लगती आप, मेरे पे गई लगती हो है ना? नहीं आंटी यू आर सो ग्लैमरस, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी आपके जितनी ग्लैमरस हो सकती। बस बच्ची है ना मेरी शदीद नमकीन जोक्स मारती है। जैसे बेटा आप फूफो को गए हो हैंडसम तो हो, लेकिन ब्लेसिंग चॉइस आपकी मम्मा जैसी होती जा। और बेटा डार्लिंग क्या कह रहे हैं आजकल आप, कोई रिश्ता विश्ता हुआ आपका? जी बस अभी तो पढ़ाई पे फोकस चल रहा है। बड़ी मेहनत कर रहा, सुबह भी को माइंड स्टडी करनी होती है। ये क्या होता जा रहा है मुझे, हाय उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ इतना? जब कोई आके आपके दिल के दरवाजे पे दस्तक दे तो उसके बारे में सोच तो आती है ना। जमीर की आवाज़, तुम इतनी फ्रेंडली कब से हो गए हो? नहीं मैं जमीर की नहीं, मैं तुम्हारे दिल की आवाज़ हूँ। दिल की आवाज़? मगर वो तो सिर्फ तब आती है जब प्यार होता है। हाँ तुम्हें प्यार हुआ है? अरे नहीं 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 उस टाइप का नहीं हूँ मैं, और वैसे भी मेरी जिंदगी में पहले भी इतनी लड़कियाँ आई हैं लेकिन कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, पता नहीं इस बार ही मुझे वो
स्पेशल लगी। देख यार दोस्त, तेरी जमीर की आवाज होने की नाते ना तुझे एक दोस्ताना मशवरा दूंगा। वो लड़की ना तो उसकी टाइप का नहीं है, ठीक है, उसकी जिंदगी ना बर्बाद करी। जरा अपने आप को देख तो एक बार, तेरे में ऐसा क्या है? इस वक्त सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनना ही बेहतर है। मेरी आवाज सुनो। पता नहीं कहां से दिल की आवाज आ गई, तेरी जमीर की आवाज ही ठीक थी यार। मेरी बात मान और नीचे देख के चल यार, तू गिर जाएगा। ओए नीचे देख। जमीर अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ऑलरेडी उसके प्यार में गिर चुका हूँ। ओ माय गॉड बेटा क्या हो गया? कोई बात नहीं, बस दो लाख की थी, कुछ ही चली थी। आओ जरा आया मेरे साथ आकर, वो गरीबों में घर में पहनने वाली ड्रेस लेके आई थी। लगी तो नहीं, इतने मजबूत हाथों में आखिर कैसे? अब बेटा बेटा आप जादू के साथ मैच करके आ रहे हैं। वो मैं सफाई कर रहा था, सफाई। हाँ वही मम्मा के चमचे जी, इधर आओ, जाके अनाया और दादू को उठा के लो। आ जाए अनाये। वो दादू कहाँ है? शी इज इन द वॉशरूम। नाश्ता बुला रहा है जी, मेरे मतलब नाश्ते पे बुला रहे हैं, तो नाश्ता कर लो। ओह अच्छा, वेट। एक्चुअली मैं जब से यहाँ पे आई हूँ तो हमारी ठीक से बात ही नहीं हो सकी। सो यू स्टडी राइट? हाँ मैं प्री मेडिकल पढ़ रहा हूँ एक्चुअली। नो रियली, एक्चुअली मैं अपनी खुशी से नहीं पढ़ा जो पढ़ रहा हूँ, तो रियली इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे घर वाले मुझसे क्या पढ़ा रहे हैं। मुझे फैशन डिज़ाइनिंग का बहुत शौक है, लेकिन दुनिया मेरा मजाक उड़ाती है। आई लव फैशन डिज़ाइनिंग। मुझे भी फैशन डिज़ाइनिंग का बहुत शौक है, मगर किसी ने मेरे इस टैलेंट को सीरियस में लिया कभी? वाकई? आई थिंक माई मदर केयर मोर अबाउट के मैं कैसा पढ़ रही हूँ, मेरे कितने ग्रेड्स आ रहे हैं, लेकिन शी डोंट केयर अबाउट बट आई थिंक। और हमें क्या चाहिए? या एग्जैक्टली, आई थिंक मुझे पहला अपने जैसा मिल गया है, एंड आई थिंक वी कैन बी फ्रेंड्स राइट? वी आर राइट। मैं बस फ्रेश होके आ रही हूँ। हाँ जरूर। यार ये क्या था? सॉरी ये दादू है वो। ओह रियली? ओके मैं बस फ्रेश होके आती हूँ। ठीक है फिर नाश्ते पे मिलते हैं। हाँ यार क्या बताऊँ मैं, मुझे तो प्यार हो गया पैसे। मेरा मतलब है वो अनायास। हाँ शुमाइला के साथ यार वो तो बस एक वक्त ही था, लेकिन मुझे लगता है यार सच्चा प्यार तो यही है। और वैसे भी यार वो वैसे भी अनाया जो है ना शुमाइला से ज़्यादा अमीर है, सारी ज़िंदगी में ये मुझे ऐशी करवा सकती है, बाज बैठ सुकून से खाओ। हराम इसके तो इंतहा ही नहीं है, इसमें इतना गिर सकता है मुझे नहीं पता। खैर इस बार इसको मैं वो नहीं लेने दूँगा जो मेरा है, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। क्या कर सकते हैं? इधर आए, इधर। कपूर तो शरबत जान बुझ के छुटिया सी ना घर को। अल्लाह की कसम गलती से हुआ था, मैंने जान का गुजरती से रहेंगे था। कोई बात नहीं, बस आपने एक बार कोशिश करनी है कि जब तक कपूर यहाँ पे है ना इस तरह की गलतियाँ होती रहे आपसे। नहीं 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 ये जितना नहीं है, दिल से उनको बाहर छोड़ दी यहाँ पर ना प्रॉब्लम। ऐसी भी कोई बात नहीं है, बस कर देगा वैसे भी। अरे दादू आप क्यों कर रही हैं मुझे बताएं ना, मैं कर देती हूँ।
वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं गई है। तुम्हारा बहुत कैसी लगती है? जाओ ना बैठो, जाके नाश्ता करो। अनाया बेटा आओ ना नाश्ता करो, बैठ जाओ। क्या वो कभी मेरी हो पाएगी? बात ही हुआ कैसे, कैसा लगा? जी बात ही हुआ कैसे, कैसा लगा? नहीं ज्यादा नहीं हुई। क्या मतलब क्यों नहीं हुई? तुम्हें नहीं पता हम पाकिस्तान से विसर्जन से हैं ताकि तुम्हारी वो कैसे शादी करवा सके। बस तुम अभी जाओगी और अभी जाके उससे छत पे बात करोगी, समझ आई? जी वो का बेटा है। कैसे बताऊं इनको कि मेरा दिल किसी और पे आ चुका है। ऐ मेरे रब मेरी मदद फरमा। आओ ना आया। वो मेरा दोस्त आया था। एक मिनट। तो कैसी जा रही है तुम्हारी स्टडीज या एक्सपोर्ट? तबीयत कैसी है तुम्हारी? वो नहीं ठीक हो सकती, शायद तुम्हें किसी केयर करने वाले भी हो। तू क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बस क्या करूँ, यू नो गलत टाइम पे एंट्री मार के ना तुम्हारा पर्दा फाश करने की आदत सी होती जा रही है मुझे। कौन सा पर्दा? क्या पर्दों का काम शुरू कर दिया तुमने? नहीं नहीं नहीं, पर्दे लगाने का नहीं, पर्दे फाड़ने का काम शुरू कर दिए मैंने। हाँ जी, और आज ही ड्रामा खत्म हो करेगा। और रियली कौन सा ड्रामा? वही ड्रामा जो तुमने दूसरों की जिंदगियों के साथ लगा के रखा है। चलो देखते हैं, मैं भी देखता हूँ तुम क्या कर सकते हो। नहीं नहीं नहीं, अब मैंने कुछ नहीं करना, बल्कि जो भी करना है वो तो इन्होंने करना है। द टर्मिनेटर ऑफ दिस ड्रामा मिस स्माइला। पीछे स्माइला विशी। तो ये है मिस स्माइला जिन्हें आप बल्कि सब कुमार स्टडी के नाम से भी जान सकते हैं। नहीं 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 आया, ये झूठ है, मैं नहीं जानता इसको। कोई बात नहीं, मैं जान पहचान करवा देता हूँ। हैव अ लुक। कैसे? ये तो मैंने डिलीट कर दी थी। तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है? मुझे पता था कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होनी है, तो मैंने इस वजह से ये पिक्चर के साथ अपने दोस्त को सेंड कर दी थी ताकि गड़बड़ों से निजात हासिल हो सके। मुझे पता होना चाहिए था धोखेबाज काले कव्वे हबशी की औलाद गटर में डूब के मर जाओ, तुम्हें इसी तरह की कचरानी मिलनी चाहिए थी। What the hell? अय अल्लाह जी यार क्या हो गया, क्या पॉइंट हो गया मेरे से? इसमें कचरानी क्या के कुछ रुक गई है। शुमाइला शुमाइला क्या हो गया? जूती उठा ली शुमाइला, अल्लाह की कसम शुमाइला तुमसे प्यार कर, तुम्हें मेरी यादों मेरी तमन्ना हो। अल्लाह एक्चुअली मेरे तुम्हारे पप्पू की बातें सुन रही थी, तो मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ किस लिए आए थे और आई नो इट हर्ट्स। एक्चुअली जो आप चाहो वो मांगे बगैर मिल जाए तो नो इट डजंट। क्या मतलब? आई डोंट लाइक हिम, आई डोंट नो मॉम को उसमें ऐसा क्या नजर आया, मुझे तो वो कभी अच्छा नहीं लगा और मुझे प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं था जब तक मुझे एक ऐसा फ्रेंड मिला जो मेरे जैसा ही था और मुझे लगा कि हाँ आई थिंक तुम्हारे न्यू फ्रेंड को जानकर बहुत खुशी हुई होगी कि तुम्हें कैसा फील होता है उसके बारे में। एक मिनट, अगर ये अबू बकर का मामला नहीं है तो फिर तुम क्यों रो रही हो? That which called me Kachrani. मामा मुझे बोलिए अल्लाह की कसम मामा। ये क्या था आखिरकार? सच की जीत हुई है जूती जब मुनिया मर जा कितने। आई थिंक उसे वो मिल गया जो वो डिजर्व करता था और मुझे भी वो मिल गया जो मैं डिजर्व करता था।